दिल्ली कूच करने जा रहे किसानों की लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। दिल्ली कूच करने जा रहे मध्य प्रदेश के किसानों को NH 19 पर पुलिस द्वारा रोका गया है। पलवल पुलिस ने KMP एक्सप्रेसवे से पहले ही किसानों को रोका हुआ है। ट्रैक्टर ट्रॉली सहित सैकड़ों किसान हाईवे पर ही खाना बनाते हुए नजर आ रहे हैं। वाटर कैनन और बैरिगेटिंग कर पुलिस ने उन्हें वहीं पर रोका हुआ है। कल शाम से NH 19 पर किसानों को पुलिस रोके हुई है। लाठी डंडों के साथ भारी पुलिस बल भी मौके पर मौजूद है। पलवल के सैकड़ों किसानों को प्रथला में रोका हुआ है। जी हां, पलवल के सैकड़ों किसान इस समय प्रथला में मौजूद हैं। दिल्ली पर कूच करने जा रहे किसानों का NH 19 पर डेरा डाला हुआ है। वहीं पलवल के सैकड़ों किसानों को प्रथला में रोका जा चुका है। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम निहाल सिंह गुर्जर है। गुर्जर जी, कहाँ के रहने वाले हो आप? मैं ग्वालियर में भोरी चिनोर गांव है, डबरा तहसील है। बताओगे जो ग्वालियर के आप जो किसान भाई हैं, कहाँ के लिए जा रहे हो, क्या प्लानिंग है आपकी? भाई हमारी प्लानिंग है दिल्ली अपनी मांग लेके जा रहे हैं। हमें बेवफा रोका जा रहा है। मैं पूछना चाहता हूँ प्रशासक को कि आप किस कारण रोक ले रहे हो? हिंदुस्तान में लोकतंत्र में सबको अपना अपना अधिकार है। हम अपने अधिकार के लिए जा रहे हैं। हमें जबरदस्ती रोका जा रहा है, इनको रोकने का क्या अधिकार है? हमें हमारी मांग है, मांगने थे हम अपनी मांग शांतिपूर्वक। हमारा कोई चंगा नहीं है, हम कोई डक्कू नहीं है। हम लोग अपनी मांग लेके के लिए जा रहे हैं दिल्ली। हमें यहाँ पर रोका जा रहा है। आप देख रहे हो कितनी मिलिट्री पुलिस लगा रखी है। कोई हम डाकू है क्या? कोई बदमाश लगते हैं क्या? अरे किसान के बच्चे हैं, किसान हैं, सारे हमारे किसान भाई साथ में हैं। कल आपको करमन बॉर्डर पर भी रोका गया था। हमें कल रोका गया, 5-7 जगह रोका गया। हम वहां से पार हुए, आगे भी बढ़ेंगे। हम रुकेंगे नहीं। ये हम भी बता देना चाहते हैं, अभी हमारी ट्रालियां पीछे और आ रही है। दिल्ली जाकर क्या करोगे आप? हम धरना करेंगे अपना शांति प्रिय। बॉर्डर सील करोगे वहाँ जो है? बॉर्डर सील करेंगे, बॉर्डर पर रुकेंगे, बॉर्डर सील करेंगे, नहीं तो हम दिल्ली जाएंगे। कोई प्रशासनिक अधिकारी किसी SPIDC से बातचीत हुई हो आपकी, क्या कह रहे हैं? रात में कलेक्टर साहब आए थे पलवल से, SP साहब आए थे। वो लोग कह रहे हैं कि आ जाओ, हम गाड़ियों में बैठा के तुमको छोड़ देते, हमारा राशन पानी कौन ले जाएगा? हम लोग दिल्ली में खाने पीने की व्यवस्था भी चाहिए। हम अपने ट्रैक्टरों में अपना आटा, तेल, शक्कर, चाय, सारा इंतजाम करके चल रही। हम किसी के भरोसे थोड़ी है। किसान खुद कमाता है, खुद खाता है। तो रात आपने यही अटोहा ही बिताई है पलवल में? पूरी रात यही रोड पर बिताई है। हम बिताएंगे, जाना रोकेंगे, हम वही रुकेंगे। अब यहाँ से कूच करोगे आगे दिल्ली के लिए? आगे के लिए हम आगे बढ़ेंगे। पुलिस प्रशासन के पुख्ता इंतजाम है आपको रोकने के लिए? यहाँ हमारे लिए ज्यादा नहीं है, वो भी हमारे भाई है पुलिस वाले। किसान का बेटा, किसान का सिपाही, हम पुलिस भाई भाई। आज नेता कहाँ से आई? ये नेता मेरे तो बीच में बदमाशी कर रही है। पुलिस प्रशासक नहीं चाहता है, वो हम ये तो भाई भाई है। वो हमको रास्ता बता देंगे, हम निकल जाएंगे, हम रुकेंगे नहीं। वो डंडे भी खाएंगे तो भी आगे बढ़ जाएंगे। क्या नाम है जी आपका? मेरा रेशम सिंह। रेशम सिंह, कहाँ के रहने वाले हो आप? हम डिस्ट्रिक्ट हमारा ग्वालियर है और गांव कड़ी शांतपुर है। कहाँ जाने की प्लानिंग है? कहाँ जाने की प्लानिंग है आपकी? हमारा प्लानिंग है आगे जाने का, ये बॉर्डर है ना, वहाँ जाके जाम करेंगे। बदरपुर बॉर्डर को जाम करोगे आप? कितने किसान हैं जो आपके साथ हैं? अभी यहाँ कम से 2000 के लगभग। 2000 के लगभग सारे आ रहे हैं, 4000 और आ रहे हैं और पीछे आ रहे हैं। तो सारे MP के किसान ही हैं आप? कल आपको बदरपुर वो क्या नाम है अपना करमन बॉर्डर पर भी रोकने का प्रयास किया गया था पुलिस द्वारा, तो वहाँ किस तरह की स्थिति रही थी आपकी और पुलिस के बीच? उसने काफ़ी हमारे ऊपर दबाव डाला, आगे हम खड़े रहे और लाठी चार्ज का भी मतलब कोशिश की हमने, लेकिन पब्लिक ज़्यादा थी और बैरिकेड को भी आगे। तो कल रात से आप यहाँ हो पलवल के? हमारे भी यहाँ रोका गया है, आगे रोक दिया है और मैट्रिक के अंदर गाड़ी वगैरह आगे लगाई है, आप देख रहे हो सब कुछ, और यहाँ रुके हैं। उसके बाद आज आगे किसानों की और जो सरकार की बार बार बातचीत होती है,
मुद्दों पर कृषि के जो है, लेकिन किसी तरह की कोई सहमति नहीं जत पा रही है, क्या कहना चाहते हैं? अभी तक कोई सहमति नहीं है, सिर्फ सरकार लटका रही है। बार बार एक दिन, दो दिन, चार दिन, छः दिन, 15 दिन तो यहाँ हो गए। पंजाब वालों ने 2 महीना वहाँ लगा दिए ट्रेन रुकने, लेकिन सरकार की नीयत अच्छी नहीं है। मोदी सरकार जो है इसकी अच्छी नीयत नहीं है, इसलिए वो लटका ही रही है, हल कोई नहीं निकाल। अगर सरकार से किसी तरह की बातचीत नहीं बनती है किसानों की, तो किस तरह की रूपरेखा रहेगी? आप रूपरेखा चारों तरफ दिल्ली को अंजाम कर देंगे, यहीं बैठ जाएंगे, 6 महीने साल लग जाएगा, हम यहाँ से नहीं जाएंगे। हमने घर को भी मरना है, आत्महत्या करनी है तो यहाँ ही मरेंगे। सरकार भी कह रही है जो कृषि कानूनों से MSP पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन किसान उसको लिखित में मांग रहा है, तो लिखित में क्यों नहीं देना चाहिए? नहीं देखो जी, MSP खत्म फर्क तो नहीं पड़ेगा, फर्क बहुत पड़ेगा। जब MSP खत्म हो जाएगी तो हमारा जो अभी 2000 रुपया गेहूँ या धान का रेट है वो सीधे सीधे 1000 रुपये ले आएंगे, तो किसानों को काफ़ी अंतर पड़ेगा, नुकसान होगा। इसलिए किसान जागरूक है, बड़े हुए किसान है, और किसान बिल्कुल मजदूर बन जाएगा। जो उनके 3 बिल हैं ना, 3 कानून जो उन्होंने पास किए हैं, वो बिल्कुल किसान विरोधी हैं, और किसान बिल्कुल मजदूरी करेगा। जैसे बिहार का मजदूर हमारे यहाँ, हम कहाँ जाएंगे, हम मजदूरी करने के लिए कहाँ जाएंगे? हमारे देश में एक नारा है जय जवान जय किसान का, लेकिन आज की स्थिति देखें तो किसान और जवान आमने सामने है। बिल्कुल सही बात है, हमारे सामने जवान लगे हैं, किसान रोक टोक बैठा। क्या कारण मानते हो जो किसान एक शांतिपूर्वक तरीके से अपना आंदोलन करना चाहता है लेकिन सरकार वो करना नहीं दे? कारण जी, इसलिए शांतिपूर्वक कर रहा है कि किसान नहीं ज़्यादा घूम रहा है। किसान शुरू से ही किसान का शांतिपूर्वक ही आंदोलन रहा है और शांतिपूर्वक आगे रहेगा, और किसान ये सरकार सोच रही है किसी न किसी तरह इनको भड़काया जाए, इधर उधर कोई उल्टी सूधी बातें करके और ये हिंसक आंदोलन हो जाए, लेकिन किसान ऐसा नहीं करेगा। तो प्रशासनिक अधिकारी पलवल जिले से आपके बातचीत हुई है किसी से? बातचीत हुई, वो कह रहे थे कि आपको हम आगे नहीं जाए। आपने क्या निर्णय लिया? लाठी लेके सब, आप देख रहे फोर्स कितना लगा हुआ है, और हमारे ऊपर दबाव डाल रहे थे, अब यहाँ से वापस। आपने क्या निर्णय लिया? हमने ये निर्णय लिया, यहाँ तो बैठे, यहाँ ही बैठे बैठे 6 महीने हो गए, यहाँ जाम लगाई गई, और आगे हो सकता आजकल जैसे हमारे MP से 50-60 ट्राली और आ रही है, और जब वो आ जाएंगे हम दोनों रोड जाम करते हैं, मथुरा रोड पूरा ही। हम किसान आंदोलन की पल पल की अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे, लाइव अपडेट आप तक पहुंचती रहेगी, तो जुड़े रहे सर्वोदय TV के साथ। जी हां, सर्वोदय TV आपको किसान आंदोलन से जुड़ी एक एक छोटी से छोटी अपडेट आप तक पहुंचाता रहेगा, तो जुड़े रहे सर्वोदय TV के साथ।